और भाभी जी घर पर हैं कि अहम किरदार दरोगा हप्पू सिंह बुधवार को बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने बब्बन मियां की गौशाला का निरीक्षण किया। और इस दौरान हमारे संवाददाता साजिद सैफी ने योगेश त्रिपाठी उर्फ हप्पू सिंह से खास बातचीत की। देखिए, बातचीत करने के लिए टीवी कलाकार योगेश त्रिपाठी उर्फ भाभी जी के दरोगा हप्पू सिंह हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे बुलंदशहर किस पर्पज से आपका आना हुआ है, क्या कुछ उद्देश्य रहा, और बुलंदशहर में पहली बार आप आए हैं या इससे पहले भी आपका? नहीं, मैं पहली बार आया हूं और मुझे शूटिंग में खबर मिली थी कि बब्बन भाई की एक गौशाला है और बहुत ही खूबसूरत है, तो काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था, लेकिन छोटा दो दो शो ऐसे चल रहे हैं कि छुट्टी इतनी मिलती नहीं है। लेकिन फर्स्ट मई की जब कन्फर्म छुट्टी थी तो सुबह से ही टिकट हमने करा लिया था और आज हम अपने फ्रेंड के साथ में, मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, कैसा लगा? गौशाला का निरीक्षण आपने किया है, आज गौ सेवा भी आपने की है, कैसा लगा? बहुत व्यस्त रहते होंगे ना, जब एक्टिंग वैक्टिंग चलती रहती होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निरीक्षण क्या किया, मतलब बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव और बहुत शांत लगा। और हमने आते ही फिर गाय को चारा खिलाया, दलिया खिलाया, और फिर इन्होंने हमें बहुत अच्छा छोले भटूरे भी खिलाए, तो बस जब से आए खाते पीते इंटरव्यू चल रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। हाँ, यूँ तो बब्बन मियाँ की जो गौशाला है वो बहुत फेमस है, इसमें पहले मनोज तिवारी हो या फिर राजा मुराद हो, ये सब लोग यहाँ आ चुके हैं पहले। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे थे अभी बातों में कि भाभी जी घर पर है, कि सेट पर भी चर्चा रहती है गौशालों को लेकर, किस तरह की चर्चा सेट पर आप सुनते थे? ये चर्चा हुई है कि मेरे जो फ्रेंड हैं वहाँ पे एक बार आए, उन्होंने बताया कि बुलंदशहर के पास में बब्बन भाई की गौशाला और वहाँ काफ़ी आर्टिस्ट आ चुके हैं, तो जब भी तुम्हें कभी टाइम हो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, एक बार चल के ज़रूर देखना। तो आज जब टाइम मिला तो आए। तो कैसी मेरा ऐसा लग रहा है कि जब मैं जाऊंगा वहां जिक्र करूंगा तो मेरी टीम में जब भी किसी को भी टाइम होगा तो वो एक बार जरूर आना चाहेगा। अच्छा, 25 करोड़ दर्शक है हिंदी खबर के, बेसिकली आपको योगेश त्रिपाठी के नाम से तो बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन दरोगा हप्पू सिंह जो है उसे तो बच्चा बच्चा जानता है, तो दरोगा हप्पू सिंह बुलंदशहर में क्या कहेंगे हिंदी खबर के दर्शकों से? हम जो कहेंगे कि भैया, अब हमें न्यूज़ वालों से ये फ़ायदा हो गया है कि जब भी इंटरव्यू हुए हैं मेरे, नॉर्मल लुक में हुए हैं, तो अब धीरे धीरे ये फ़ायदा हो गया है कि भैया दरोगा हप्पू सिंह से भी जब हमें योगेश त्रिपाठी के लुक में देखते हैं, तो अब यूट्यूब में इतनी क्लिपें पड़ी हैं मेरे घर के इंटरव्यू की, दिल्ली के जो हैं इंटरव्यू ले चुके हैं, मुंबई में भी ले चुके हैं, तो अब ये फ़ायदा हो गया न्यूज़ वालों से कि धीरे धीरे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे बड़े हों, सब मुझे अब इस लुक में भी धीरे धीरे पहचानने लगे, और आप सामने से भी आके बोलते हैं कि हप्पू सिंह आप ही करते हैं, तो जरा आप लोगों से हप्पू सिंह के स्टाइल में जरा बता दीजिए। क्या बोलूं, मतलब लाइंस कुछ? हाँ, कोई लाइन बोल दीजिए। जो कह रहे हैं कि भैया हमें बब्बन भाई की गौशाला का बहुत मजा आगो और हम जाके भाभी जी में खूब चिरांद फैलाएंगे। तो ये योगेश त्रिपाठी और उर्फ दरोगा हप्पू सिंह थे जो बुलंदशहर में बब्बन मियां की गौशाला का निरीक्षण करने पहुंचे। कैमरा पर्सन शाकिर मलिक और सहयोगी दानिश गफ्फार के साथ साजिद सैफी, हिंदी खबर बुलंदशहर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।